हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा चेंज ऑफ स्केल इस प्रॉपर्टी को किस तरह सॉल्व करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम से किस तरह डील करना है। सो चेंज ऑफ स्केल सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। इस टाइप की प्रॉपर्टी में आपको एक लैपलेस किसी भी फंक्शन का लैपलेस दिया जाता है। मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी, यानी कि ए यानी कि कोई नंबर टर्म या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। सो उसको हम लोग दैट इज इक्वल्स टू 1/a फाई ऑफ एस बाई ए। सो मैं आपको इसको डिटेल में एक प्रॉब्लम के साथ में बताता हूँ। सो इसमें गिवन क्या होता है, एक प्रॉब्लम इस टाइप के प्रॉब्लम में गिवन क्या होता है कि आपको एक तरीके का लैपलेस विद सॉल्यूशन दिया होता है, यानी कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी दिया हुआ है। ये इसका एक फंक्शन का लैपलेस है 1/s एंड ई रेस टू -1/s इसका सॉल्यूशन है। अब हमको फाइंड करना है लैपलेस ऑफ एफ ऑफ थ्री टी। सो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ये टर्म दोनों सेम है, सिर्फ ए की जगह पे यहाँ पे थ्री है। सो हम लोग को इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन सो वी हैव लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s ई रेस टू -1/s। सिंपल है इसका, बहुत सिंपल सा एक स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट फॉर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ थ्री टी विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे थ्री, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। और फाई ऑफ एस बाई ए, इसका मतलब ये है कि इसका जो लैपलेस सॉल्यूशन है उसके अंदर जहाँ पे भी एस मौजूद है, हम लोग को वहाँ पे सिंपल वहाँ पे एस की जगह पे डिवाइड बाय ए, एस विल बी डिवाइड बाय ए, यानी कि यहाँ पे ए थ्री है। ओके सो अभी यहाँ पे जो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, 1/a और 1/s, तो एस किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे एस बाई ए यानी एस बाई थ्री। ओके और ई रेस टू -1 डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई थ्री। ओके ये क्लोज कर देता हूँ। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। चलो आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। सो 1/3 ये हो जाएगा इसका 1/s, और ये डिवीजन का नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा इसके न्यूमिनेटर में जाता है, ई रेस टू -1/s/3। सो ये थ्री कट हो जाएगा, जो आंसर बच रहा है 1/s और ई रेस टू, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो भी न्यूमिनेटर में चला जाएगा, -3/s, जो कि इसका सॉल्यूशन है लैपलेस ऑफ एफ ऑफ थ्री टी। मैंने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लिख लिया है, सो मैं इसको भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि सॉल्व किस तरह करना है। सो यहाँ पे भी हमारा लैपलेस एफ ऑफ टी यानी एक फंक्शन का लैपलेस दिया गया है और हमको फाइंड करना है लैपलेस ऑफ एफ टू टी। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2/s³ ई रेस टू -s। अभी लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टू टी, सो मैंने जैसा लास्ट वीडियो में पिछले प्रॉब्लम में बताया था, तो 2t की यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू ये होती है, यानी कि a की वैल्यू और ये a की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, सबसे पहले 1/2 लिख लेंगे ब्रैकेट। अभी ये जो उसका जो लैपलेस है उसके अंदर जहाँ पे भी s है, बस सिंपली हम लोग को वहाँ पे s बाई 2 कर देना है, डिवाइड बाई, क्योंकि s बाई a यहाँ पे भी आ रहा है। सो s बाई 2 ब्रैकेट क्यूब ई रेस टू -s/2। ओके अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 1/2, ये 2 और ये 2 तो कट हो गया, सॉरी बराबर बचा 1/s की s रेस टू 3 इज s क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 3, 2 to the 4 to the 8 ई रेस टू -s/2, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर पे, 8/s³ ई रेस टू -s/2, जो कि इसका सॉल्यूशन है लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टू टी। ये सिंपल से प्रॉब्लम है, रेयरली 2 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, काफ़ी टाइप्स के पेपर में आते हैं। सो मैं आपको यही प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ओके थैंक यू।